नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। और देखिए, आज हम एमपी नेशनल अवार्ड में जितने भी राष्ट्रीय सम्मान हैं जो कि हमारे मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिए जाते हैं, तो उन पर डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम राष्ट्रीय तुलसी सम्मान की बात करें तो इसकी स्थापना 1983 में हुई थी। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1983 में। और इसमें पुरस्कार राशि 5 लाख रुपये दी जाती है। ठीक है, और ये जनजातीय लोक एवं पारंपरिक कलाओं में उत्कृष्ट और श्रेष्ठ उपलब्धियों को सम्मानित करने के लिए वार्षिक राष्ट्रीय तुलसी सम्मान केवल पुरुष कलाकार को ही प्रदान किया जाता है। जो राष्ट्रीय तुलसी सम्मान है ये केवल पुरुष कलाकार को ही सम्मानित किया जाता है इससे। और एक जो राष्ट्रीय देवी अहिल्या सम्मान है हमारे मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है, राष्ट्रीय देवी अहिल्या सम्मान, जिसके बारे में मैं आपको कल बताऊंगा, तो वो सम्मान सिर्फ हमारे मध्य प्रदेश में महिलाओं को ही दिया जाता है। ठीक है, और देखिए बात करें यहाँ पर 2020 का जो राष्ट्रीय तुलसी सम्मान है तो इससे किसे सम्मानित किया गया था? तिलक राम पैदराम को। ठीक है, और ये कहाँ से है? ये अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट से है। तो ये 2023 में ही इनको प्रदान किया गया था, 2020 का तिलक राम पैदराम, और ये एक जनजातीय कलाकार है। 2020 का राष्ट्रीय तुलसी सम्मान से किसे सम्मानित किया गया था? तिलक राम पैदराम को सम्मानित किया गया था। ठीक है, और ये कहाँ से है? अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट से है। तो याद कैसे करोगे? देख, तिलक लगाकर ही तुलसी जी की पूजा की जानी चाहिए। ठीक है, तो इससे याद रखिएगा, लेटेस्ट जो राष्ट्रीय तुलसी सम्मान है वो तिलक राम पैदराम को मिला है। 2019 का डॉक्टर भारती बंधु को, कबीर गायक है ये। 2018 का विक्रम यादव को, ये बांसुरी वादक है। और 2017 का कैलाश चंद्र शर्मा को, ये चित्रकार है। ठीक है, और बात करें राष्ट्रीय तानसेन सम्मान की तो इसकी स्थापना जो है 1980 में की गई थी। ठीक है, राष्ट्रीय तानसेन सम्मान की स्थापना 1980 में की गई थी। पुरस्कार राशि इसमें 5 लाख रुपए दी जाती है, और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में ये दिया जाता है। और 2022 का जो राष्ट्रीय तानसेन सम्मान है वो किसे मिला था? तो वो मिला था पंडित गणपति भट्ट को मिला था। ठीक है, किसे मिला था? पंडित गणपति भट्ट को। और ये कहाँ से है? कर्नाटक से है। इनको हिंदुस्तान शास्त्रीय गायक के लिए दिया गया था। तो ये सम्मान मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। राष्ट्रीय तानसेन सम्मान किसे मिला है? तो ये पंडित गणपति भट्ट को मिला है, ये कर्नाटका से है, और ये हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक है। इसको आप याद कैसे करोगे? देखिए, जो गणपति जी है, ठीक है, गणपति पप्पा जो है, गणपति जी ये हमेशा सीना तान के रहते हैं, है ना? तो इससे याद रखिएगा, आपको याद रहेगा, पति जी हमेशा सीना तान के रहते हैं। ठीक है, कभी डरते नहीं है। तो इससे हो जाएगा, तान से सम्मान गणपति जी को मिला है, हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक है, और ये कर्नाटका से हैं। 2021 का किसे मिला था? नित्यानंद हल्दीपुरी को मिला था, ये बांसुरी वादक है। 2020 का पंडित सतीश व्यास को मिला था, ये संतूर वादक है। और 2019 का पंडित विद्याधर को मिला था, ये मूर्धन्य गायक है। यहाँ पर लता मंगेशकर सम्मान की तो देखिए, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये 1984 में हुई थी। लता मंगेशकर सम्मान की स्थापना 1984 में हुई थी, और इसमें जो पुरस्कार राशि है वो 5 लाख रुपए दी जाती है। ठीक है, और ये संगीत निर्देशन एवं पार्श्व गायन के क्षेत्र में कलात्मक श्रेष्ठता को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से संस्कृति विभाग के द्वारा यह सम्मान दिया जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, किस विभाग के द्वारा दिया जाता है? संस्कृति विभाग के द्वारा दिया जाता है। और किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये संगीत निर्देशन पार्श्व गायन के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, 2022 का लता मंगेशकर सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये उत्तम सिंह को सम्मानित किया गया है, ये पंजाब राज्य से है। और इनको किस क्षेत्र में दिया गया है? संगीत निर्देशक के क्षेत्र में दिया गया है। और 2021 का किसे मिला था? कुमार सानू को मिला था, ये मुंबई से है, इनको पार्श्व गायन में मिला था। 2020 का आनंद मिलिंद को मिला था, ये भी मुंबई से है, इनको संगीत निर्देशक के क्षेत्र में दिया गया था। ठीक है, तो राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो संगीत निर्देशन पार्श्व गायन और कलात्मक श्रेष्ठता को प्रोत्साहित करने के लिए दिया जाता है। अच्छा, 2022 का तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उत्तम सिंह को दिया गया है, इसको याद रखिएगा। अब इसको याद कैसे करोगे आप? देखिए, उत्तम सिंह, उत्तम का मतलब श्रेष्ठ भी होता है, तो श्रेष्ठ से याद रखिएगा, लता मंगेशकर जी के जितने भी गीत है वो बहुत श्रेष्ठ है। ठीक है, तो उत्तम श्रेष्ठ, ठीक है, लता मंगेशकर सम्मान 2022 उत्तम सिंह को मिला है। और बात करें यहाँ पर हम राष्ट्रीय देवी अहिल्या सम्मान, देखिए ये सम्मान जो है केवल महिलाओं को दिया जाता है। इसकी स्थापना 1996 में की गई थी, और इसमें पुरस्कार राशि 5 लाख रुपए दी जाती है। ठीक है, देखिए बात करें राष्ट्रीय देवी अहिल्या सम्मान की तो यह सम्मान आदिवासी लोक कला एवं पारंपरिक कला के क्षेत्र में सिर्फ महिलाओं को दिया जाता है। और पहला देवी अहिल्या सम्मान किसे मिला था? तीजन बाई को दिया गया था। ठीक है, तो ये भी काफी बार एग्जाम में पूछा गया है कि पहला राष्ट्रीय देवी अहिल्या सम्मान किसे मिला था, तो ये तीजन बाई को मिला था। ठीक है, देखिए राष्ट्रीय देवी अहिल्या सम्मान जो है केवल महिलाओं को दिया जाता है, और केवल पुरुषों को कौन सा सम्मान दिया जाता है? तो राष्ट्रीय तुलसी सम्मान केवल पुरुषों को दिया जाता है। और मालिनी अवस्थी जो है, इनको 2020 का
राष्ट्रीय देवी अहिल्या सम्मान से सम्मानित किया गया है। और मालिनी अवस्थी कहाँ से है, ये लखनऊ से है, ठीक है। और ये लोक गायिका है। और 2019 का राष्ट्रीय देवी अहिल्या सम्मान से किसे सम्मानित किया गया था, तो ये किया गया था शांतिबाई मरावी को। ये कहाँ से है, मंडला डिस्ट्रिक्ट से है और ये जनजाति चित्रकार है। और राष्ट्रीय शरद जोशी सम्मान की बात करें तो देखिए राष्ट्रीय शरद जोशी सम्मान की स्थापना 1992 में की गई थी। इसमें पुरस्कार राशि 5 लाख रुपये दी जाती है और यह सम्मान डायरी, रिपोर्ट, ताज, व्यंग, ललित निबंध, पत्र आदि के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट क्या है, मीडिया, मीडिया के क्षेत्र में हमारे मध्य प्रदेश में किस सम्मान को दिया जाता है, शरद जोशी सम्मान को दिया जाता है। 2021 में श्रीराम परिहार को मिला था, इनका संबंध खंडवा डिस्ट्रिक्ट से है। और 2020 में विजय मनोहर तिवारी को मिला था, इनका संबंध सागर डिस्ट्रिक्ट से है। राष्ट्रीय महात्मा गांधी सम्मान, तो इसकी स्थापना जो है वर्ष 1995 में हुई थी और इसमें जो पुरस्कार राशि है वो कितनी दी जाती है, तो ये 20 लाख रुपए दी जाती है, ठीक है। हमारे मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाने वाला सबसे बड़ा सम्मान है ये। गांधी विचार दर्शन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राज्य शासन के द्वारा इस पुरस्कार की जो शुरुआत की गई थी और प्रतिवर्ष इस क्षेत्र में उत्तम कार्य करने के लिए किसी संस्था को यह पुरस्कार दिया जाता है। और देखिए 2021-22 में यह पुरस्कार किसे मिला था, ग्रामीण विकास विज्ञान समितियों को मिला था, ठीक है। 2021-22 में राष्ट्रीय महात्मा गांधी सम्मान किसे मिला था, ग्रामीण विकास विज्ञान समिति को मिला था। और ये कहां पर है, जोधपुर में है, ठीक है। इसको आप याद कैसे करोगे, देखिए महात्मा गांधी जी जो थे ग्रामीण विकास पर सबसे ज्यादा जोर देते थे, ठीक है। तो इससे याद रखिएगा, ग्रामीण विकास विज्ञान समिति को मिला है 2021-22 का राष्ट्रीय महात्मा गांधी सम्मान, ये कहाँ पर है, जोधपुर में है। अच्छा 2020-21 का किसे मिला था, भटके विमुक्त विकास प्रतिष्ठान को मिला था, ठीक है। 2020-21 का राष्ट्रीय महात्मा गांधी सम्मान से भटके विमुक्त विकास प्रतिष्ठान को प्रदान किया गया था, ये उस्मानाबाद में है। और 2019-20 का किसे मिला था, अखिल विश्व गायत्री परिवार को मिला था। अखिल विश्व गायत्री परिवार कहाँ पर है, ये हरिद्वार में है, ठीक है। तो इसे 2019-20 का राष्ट्रीय महात्मा गांधी सम्मान से सम्मानित किया गया था। इसकी स्थापना 1995 में की गई थी। इसमें पुरस्कार राशि 20 लाख रुपए दी जाती है, ठीक है। और ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो गांधी विचार दर्शन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से इस पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। और इस क्षेत्र में जो उत्तम कार्य करता है उसे राष्ट्रीय महात्मा गांधी सम्मान से सम्मानित किया जाता है। 2021-22 में ग्रामीण विकास विज्ञान समिति को मिला था। ग्रामीण विकास विज्ञान समिति कहाँ पर है, तो ये जोधपुर में है। राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान की बात करें, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसकी स्थापना 1997 में, इसमें पुरस्कार राशि 5 लाख रुपए दी जाती है। और मध्य प्रदेश शासन द्वारा सिनेमा के क्षेत्र में निर्देशन, अभिनय, पटकथा तथा गीत लेखन के क्षेत्र में इस सम्मान को दिया जाता है, ठीक है। और देखिए 2022 का ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान से किसे सम्मानित किया गया था, धर्मेंद्र को, ठीक है। ये अभिनेता है, कहाँ से है, मुंबई से है। 2021 का विवेक रंजन अग्निहोत्री को मिला था, ये डायरेक्टर है, ये ग्वालियर से है, हमारे मध्य प्रदेश से है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इनको। 2021 का राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान से सम्मानित किया गया था। और जो कश्मीर फाइल्स है उसके डायरेक्टर है विवेक रंजन अग्निहोत्री। 2020 का किसे मिला था, तो ये अमिताभ भट्टाचार्य को मिला था, ये मुंबई से है और ये गीत लेखन के क्षेत्र में इनको मिला था। 2019 का अशोक मिश्रा को मिला था, पटकथा के लिए मिला था और ये भी मुंबई से है, ठीक है। तो 2022 का याद रखिएगा, धर्मेंद्र को मिला है राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान। पर राष्ट्रीय कालिदास सम्मान की, तो ये 4 क्षेत्रों में दिया जाता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये 4 क्षेत्रों में दिया जाता है, शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय नृत्य, रूपंकर कलाएं और रंग कर्म के क्षेत्र में दिए जाते हैं। और इसमें पुरस्कार राशि कितने रुपए हैं, तो ये 5 लाख रुपए है। शास्त्रीय संगीत की बात करें तो इसमें 2021 का शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में राष्ट्रीय कालिदास सम्मान किसे मिला है, बुधादित्य मुखर्जी को मिला है, ठीक है। बुधादित्य मुखर्जी को 2021 का राष्ट्रीय कालिदास सम्मान से सम्मानित किया गया है। और ये कहाँ गए हैं, कोलकाता के हैं और इनको शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में दिया गया है। शास्त्रीय नृत्य की बात करें तो शास्त्रीय नृत्य का जो कालिदास सम्मान 2021 से किसे मिला है, डॉक्टर पुरुष धादिज को मिला है। इनका संबंध कथक नृत्य से है और इनको 2021 का राष्ट्रीय कालिदास सम्मान से सम्मानित किया गया है। और ये कहाँ के हैं, इंदौर के हैं। रूपंकर कलाएं में राष्ट्रीय कालिदास सम्मान 2021 से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये वासुदेव कामत को सम्मानित किया गया है, ठीक है। वासुदेव कामत कहाँ से है, पुणे से है, महाराष्ट्र से, और ये चित्रकार है। इनको राष्ट्रीय कालिदास सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है। रंग कर्म के क्षेत्र में बात करें तो ये राजीव वर्मा को मिला है, ये अभिनेता है,
ठीक है, और 2021 का इनको राष्ट्रीय कालिदास सम्मान से सम्मानित किया गया है। और कहाँ से है, ये भोपाल से है। राष्ट्रीय इकबाल सम्मान की बात करें तो इसकी स्थापना 1986 में हुई थी, ठीक है। राष्ट्रीय इकबाल सम्मान की स्थापना कब हुई थी, ये 1986 में हुई थी। इसमें पुरस्कार राशि 5 लाख रुपए दी जाती है। और देखिए, इकबाल सम्मान उर्दू साहित्य में रचनात्मक लेखन के लिए दिया जाता है। 2021 का राष्ट्रीय इकबाल सम्मान किसे मिला, डॉक्टर सैयद तकरी आबदी को मिला था। इनका संबंध हैदराबाद से है, हैदराबाद तेलंगाना में है। और 2020 का राष्ट्रीय इकबाल सम्मान से किसे सम्मानित किया गया था, प्रोफेसर अली अहमद फातमी को, ये प्रयागराज से है। और 2019 का राष्ट्रीय इकबाल सम्मान से किसे सम्मानित किया गया था, सुश्री जाकिया मसहदी को, ये पटना से है। राष्ट्रीय कबीर सम्मान की बात करें तो इसकी स्थापना 1986 में की गई थी। पुरस्कार राशि इसमें 5 लाख रुपए दी जाती है। राष्ट्रीय कबीर सम्मान भारतीय भाषाओं में लिखी गई कविता के लिए दिया जाता है। 2021 का डॉक्टर श्याम चंद्र दुबे जी को मिला था। 2020 में श्री मनोज श्रीवास्तव जी को मिला था। और 2019 में डॉक्टर विनय राजाराम जी को मिला था। तो राष्ट्रीय कुमार गंधर्व सम्मान की बात करें, ठीक है, राष्ट्रीय कुमार गंधर्व सम्मान की बात करें तो इसकी स्थापना जो है वो 1992 में की गई थी। और इसमें पुरस्कार राशि 2,51,000 रुपए दी जाती है। और ये मध्य प्रदेश शासन द्वारा संगीत के क्षेत्र में, ठीक है, संगीत के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर की उत्कृष्ट युवा प्रतिभा को सम्मानित और प्रोत्साहित करने के लिए यह सम्मान दिया जाता है। किसके द्वारा, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है। इसकी स्थापना 1992 में हुई थी। इसमें पुरस्कार राशि 2,51,000 रुपए दी जाती है। और किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। 2021 का राष्ट्रीय कुमार गंधर्व सम्मान किसे मिला था, सुश्री रुक्मणी विजय कुमार को मिला था। ये हैदराबाद से हैं। और ये है हमारा टेलीग्राम चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज। तो आज इस पर क्वीज होगा 20 क्वेश्चन का, करंट अफेयर्स, एमपी करंट अफेयर्स रिलेटेड। तो आप सभी लोग ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और आज के लिए इतना ही। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।